सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टेक ग्रिप। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपके इंस्टाग्राम स्टोरी से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप मेरी तरह इंस्टाग्राम चलाते हैं और आप इंस्टाग्राम स्टोरी को अपनी गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ, तो इस वीडियो के अंदर मैं वो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं बताऊँगा, ना ही मैं गूगल क्रोम पर जाने की कोई टेक्निक बताने वाला हूँ, ना ही मैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करूँगा किस प्रकार से आप अपनी स्टोरी को गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको सिंपली अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर आना है। आने के बाद यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो 101% जो आपकी स्टोरी है वो आपकी गैलरी के अंदर विद म्यूजिक सेव हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी है वो सेटिंग जिसको ऑन करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, तो आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को, आपको बता देते हैं आपको किन प्रोसेस को फॉलो करना है। गाइज क्या होता है, जब कभी हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं और फिर हम चाहते हैं कि अपनी इसी स्टोरी को हम किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यूज करें, चाहे वो फेसबुक स्टोरी के तौर पर हो या फिर गाइज किसी अनदर कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर हम अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, तो गाइज उसके लिए जो स्टोरी है वो हमारी गैलरी के अंदर सेव होना जरूरी है। तो वही प्रोसेस यहां पर मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो के अंदर। गाइज जैसे ही आप अपनी स्टोरी को पोस्ट करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी के अंदर स्टोरी सेव हो जाएगी, वो भी म्यूजिक के साथ, ये मैं गारंटी देता हूँ। और वो भी रीजन मैं आपको बताऊँगा, कुछ लोगों को विदाउट म्यूजिक स्टोरी सेव होती हैं उनकी गैलरी के अंदर, तो वो क्यों होती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाऊँगा किस प्रकार से आप यहाँ पर स्टोरी पोस्ट करेंगे और वो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। यहाँ से मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते करते यहाँ पर मैं गाइज देख लेता हूँ, हाँ ये वाली पोस्ट ले लेते हैं। मुझे क्या करना है, शेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ऐड रील टू स्टोरी करना है। जैसे ही ऐड रील टू स्टोरी करूँगा तो गाइज जो ये वाली रील है ये हमारी स्टोरी पर सेव हो जाएगी। मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ। अब हमें इसको यहाँ से डन कर देना है। यहाँ से गाइज मैंने इस रील को अपनी स्टोरी पर पोस्ट कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, इंतजार करना है कि हमारी स्टोरी पर ये पोस्ट हो जाए। देखिए गाइज यहाँ से मैं देख लेता हूँ। एक बात तो है दोस्तों, यहाँ से आपने देख ही लिया होगा जो ये रील है वो हमारी स्टोरी पर पोस्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, गैलरी के अंदर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो ये रील है वो हमारे गैलरी के अंदर विद म्यूजिक आ गई है। आप यहाँ पर देखिए, आप ऊपर टाइम देख सकते हैं 6:43 और जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है आप उसको भी ऊपर देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने गैलरी के अंदर विद म्यूजिक अपनी स्टोरी को सेव कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आपकी गैलरी के अंदर विदाउट म्यूजिक ये स्टोरी सेव कैसे होती हैं, आप कौन सी गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगेन इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। अब गाइज देखिए ऐसे ही कोई अनदर पोस्ट ले लेते हैं, जैसे ये वाली पोस्ट ले लेते हैं, शेयर पर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से ऐड रील टू स्टोरी करूँगा। अब जो न्यू ऑप्शन खुल जाएगा, देखिए गाइज मैंने यहाँ से वीडियो का साउंड ऑफ कर दिया है। यही वो गलती है जहाँ से हम स्टोरी गैलरी के अंदर सेव करते हैं और हमारी स्टोरी पर म्यूजिक नहीं आता। अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ से जूम भी कर देता हूँ। तो गाइज हमने म्यूजिक को ऑफ कर दिया है। यहाँ से मैं शेयर करूँगा अपनी स्टोरी पर और मैं आपको दिखाऊँगा जो ये वाली स्टोरी है यहाँ पर म्यूजिक हमारी गैलरी के अंदर सेव नहीं होगा और यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं हमारी स्टोरी यहाँ पर पोस्ट हुई है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर भी सॉन्ग नहीं चल रहा है। अब हम चाहते हैं गैलरी के अंदर, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये आ गई हैं और यहाँ पर हम प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको सॉन्ग सुनाई नहीं देगा। ये हम गलती करते हैं, हम म्यूट कर देते हैं वहाँ से अपनी स्टोरी को। तो गाइज आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन को इनेबल करके ही आपको पोस्ट करना है अपनी स्टोरी को। अब देखिए गाइज मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से कौन सी वो सेटिंग है जिसको कर लेने से आपकी ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी ही आसानी से सॉल्व हो जाती है, आपकी जो स्टोरी है वो गैलरी के अंदर सेव होने लग जाती है वो भी विद म्यूजिक।
उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है और बॉटम पर जो आपको ये प्रोफाइल पिक्चर होती है आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है, थ्री लाइंस पर क्लिक करना है तो आपके सामने सेटिंग वाला ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद गाइज आपको प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टोरी वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव स्टोरी टू गैलरी, आपको इस वाले ऑप्शन को ऑन रखना है। जैसे ही आप इसको ऑन रखेंगे तो गाइस जैसे ही आप कोई भी वीडियो फोटो अपनी स्टोरी पर पोस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी, वो भी म्यूजिक के साथ। तो गाइस आपको सिर्फ ये छोटी सी सेटिंग को यहाँ से ऑन रखना है। ये कर लेने के बाद गाइस 101% जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाली है। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर गाइज मेरे को आपको इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या हमारी इस वीडियो की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।